नमस्कार दोस्तों, एक नया और एक्साइटिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक साइकिल का चार्जर के बारे में। इलेक्ट्रिक साइकिल का अगर आप एक लिथियम आयन बैटरी या लिथियम फॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल करते हो तो कौन सा चार्जर आपके लिए बेस्ट होगा, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो दोस्तों देखिए, ये रहा वो चार्जर। ये जो चार्जर है दोस्तों, ये लिथियम बैटरी का चार्जर है। लिथियम आयन या फिर लिथियम फॉस्फेट दोनों में ही ये चार्जर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ऑटो कट ऑफ फीचर दिया हुआ रहता है, मतलब कि आपका चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटेड ये चार्जर आपका बैटरी को बंद कर देगा, चार्जिंग बंद कर देगा। तो कोई भी टाइप का ओवर चार्जिंग की बैटरी फुल जाना, आग पकड़ लेना, ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके बैटरी के साथ नहीं होगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसा ही लिथियम बैटरी का चार्जर, लिथियम बैटरी एक्सेसरीज या फिर कोई भी आइटम इसके रिलेटेड, रिसाइकिल किट, बाइक कन्वर्शन किट, ये सब अगर परचेस करना है तो आप myinnovation.in को विजिट कर सकते हैं। उधर से आपको एकदम सस्ते प्राइस में एंड बेस्ट क्वालिटी में ये सब सामान मिल जाएगा। आप इधर पे देख सकते हो myinnovation.in USA से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं चार्जर के बारे में। ये देखिए, ये रहा वो चार्जर दोस्तों। चार्जर के अगर आउटपुट की बात करेंगे आप लोग देख सकते हो इधर पे, ये चार्जर है आपका 24 वोल्ट 3 एम्पियर लिथियम का चार्जर है एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट 2022 7 मंथ का है। 100 वाट का चार्जर है मैक्सिमम एंड आउटपुट वोल्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है 29.4 वोल्ट का 3 एम्पियर का आउटपुट वोल्टेज होता है। ज़्यादातर हम लोगों को 2 एम्पियर मिलता है, मगर इसमें से आपको 3 एम्पियर का आउटपुट मिला है जो कि फास्ट चार्जिंग कर देता है। तो दोस्तों अगर आपके पास सपोज ऐसा एक 12 एम्पियर का बैटरी है, उसको आपको चार्ज करना है, जैसे कि ये देखिए 12 एम्पियर लिथियम आयन बैटरी पैक है, उसको अगर चार्ज करना है तो ये चार्जर से आपका करीब 4 घंटे में आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एम्पियर का चार्जर है तो फास्ट चार्जर है। और एक इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों, इस चार्जर के अंदर आपको कूलिंग फैन दिया हुआ रहता है, इस साइड पे स्पेशल कूलिंग फैन दिया हुआ रहता है। तो इजीली ये चार्जर आपका अगर बहुत ज़्यादा एज का भी बैटरी हो, सपोज 20 एम्पियर का बैटरी हुआ तो चार्जिंग में तो टाइम लगेगा, मगर ये चार्जर आपका ख़राब नहीं होगा। कूलिंग के लिए इसमें एक्स्ट्रा सिस्टम इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ देखिए चार्जर का कुछ और आपका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखा देते हैं, जो प्लग का ये इस साइड इस टाइप का इस वजह पे प्लग रहता है। प्लग का अगर आप लोगों को फीमेल सॉकेट भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, हम लोगों के पास इसका फीमेल सॉकेट भी अलग से रहता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों मेन चार्जर के बारे में। अभी चलिए इसको आपको बैटरी के साथ चार्ज कनेक्ट करके दिखाते हैं कैसा होता है। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोगों ने चार्जर के जब प्लग पे कनेक्ट किया है एंड चार्जर कनेक्ट के बाद आपका ऐसा ग्रीन कलर शो करेगा चार्जर में। ठीक है, ऐसे ग्रीन LED एंड चार्जर को अभी हम लोग कैसा करेंगे, ये देखिए इस बैटरी के साथ ये जो सॉकेट इसमें हम लोगों ने एक XC60 लगाया है, तो इसको इसके साथ एंड इस कनेक्टर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसा लाइट चेंज हो रहा है। तो दोस्तों आपका बैटरी जब हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं इधर पे, तो इधर पे जो कलर है वो आपका रेड हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ग्रीन कलर से आपका रेड कलर में चेंज हो जाएगा जब आपका बैटरी चार्जिंग पे, एंड जब आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये रेड से फिर से ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑटो कट ऑफ फीचर भी आपका इनबिल्ट है। बाकी दोस्तों अगर ये चार्जर आपको परचेस करना है तो आपको इजीली myinnovation.in से मिल जाएगा एंड आपका कहीं पे भी लोकेशन हो, ऑल ओवर इंडिया पे हम लोगों का कुरियर सर्विस है, तो कोई भी लोकेशन पे आपको इजीली होम डिलीवरी मिल जाएगा घर बैठे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया कि लेड एसिड को, लेड एसिड चार्जर को क्या हम लोग लिथियम पे कनेक्ट कर सकते कि नहीं, तो दोस्तों एकदम ही नहीं, क्योंकि लेड एसिड चार्जर का जो वोल्टेज होता है वो कम होता है, करीब 26 से 27 वोल्ट होता है, और लिथियम जो चार्जर होता है उसका वोल्टेज 29 वोल्ट तक होता है। तो अगर आप लेड एसिड चार्जर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका चार्जर खराब भी हो सकता है, नहीं तो आपका बैटरी से अच्छा माइलेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको लिथियम अगर बैटरी आप इस्तेमाल करते हो तो लिथियम का ही चार्जर आपको लगाना पड़ेगा एंड इलेक्ट्रिक साइकिल किट के साथ ज़्यादातर आपका लिथियम चार्जर नहीं आता है, मैक्सिमम टाइम लेड एसिड का ही चार्जर आपको इलेक्ट्रिक साइकिल किट के साथ मिलता है। ये आपको जो आपका डीलर है कि जिससे आप परचेस कर रहे हो उससे एक बार बात आपको करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलूंगा नया और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।